नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए NFA को किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। देखिए, हम लोग ने पिछले ही लेक्चर में NFA का इंट्रोडक्शन लिया है और किस तरीके से वो काम करता है, ट्रांजिशन टेबल सब पढ़ा है। आज हम लोग एक एग्जाम्पल लेके NFA को डिज़ाइन करने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, थ्योरी ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज सीरीज की। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी हम कोई मशीन को NFA मशीन को बना रहे होते हैं तो हम लोग जो होता है सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को बनाते हैं कि आखिर लैंग्वेज क्या कहेगी उसकी। अब देखिए, अब हमारा जो ये जो बनने वाला है इसमें ये बोलना चाहता है कि हमें ऐसी मशीन बनानी है जिसकी सेकेंड लास्ट सिंबल जो है वो वन हो। सेकेंड लास्ट सिंबल वन हो मतलब कि वन जो हो वो यहाँ आए, इसके बाद कुछ भी हो, वन वन हो, वन ज़ीरो हो, कुछ भी हो मतलब नहीं है, पहले कुछ भी हो, लेकिन जो सेकेंड लास्ट सिंबल है मतलब जो लास्ट के पहले वाला है वो हमेशा वन होना चाहिए हमारी लैंग्वेज में। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी अगर वन ज़ीरो है तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि सेकेंड लास्ट वन है। हम कह सकते हैं कि अगर हमारा वन वन है तो ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर हम लोग थ्री में देखें तो हम ये कह सकते हैं वन ज़ीरो वन भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ज़ीरो वन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो वन वन भी होना चाहिए, वन वन ज़ीरो भी होना चाहिए और ज़ीरो ज़ीरो वन भी होना चाहिए। सॉरी, ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो भी होना चाहिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लास्ट सेकेंड जो है वो वन ही होनी चाहिए। उसके पहले क्या है, बाद में क्या है, कोई मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे ही हम लैंग्वेज देखते जाएँ तो हमारा ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो है, ज़ीरो होना चाहिए, लास्ट वन आ गया, वन वन ज़ीरो वन वन और ज़ीरो आ गया, ये भी चलेगा, वन 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 ज़ीरो वन वन आ गया, ये भी चलेगा, सेकेंड लास्ट वन। ऐसे क्या करता है, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। सेकेंड लास्ट में देखा जाए तो ऐसे हम लोग बनाते हुए इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अब हमें इसके लिए पर्टिकुलर एक मशीन बनानी है जो कि इसको एक्सेप्ट करे। तो सबसे पहले देखने वाली बात ये होगी कि सबसे पहले तो हम इनिशियल मान लेते हैं क्यू नॉट। हमने क्या किया, क्यू नॉट मान लिया। अब हम लोग देखते हुए चलते हैं कि जो हमने क्यू नॉट मान लिया तो सेकेंड लास्ट डिजिट जो है, सेकेंड लास्ट सिंबल जो है वो वन होना चाहिए, मतलब उसके बाद भी कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद में भी कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करेगा। तो अगर हम ये वन दे देते हैं और हम एक स्टेट पे ले जाते हैं तो हमारी ये वन जो है वो जा रहा है, पास हो रहा है। अब ये सोचिए, अगर वन पास हो रहा है तो इसके बाद अगर कुछ भी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही सिंबल हो सकता है, या तो ज़ीरो या तो वन। तो अगर हम क्यू वन से या तो ज़ीरो पास करा दें या वन पास करा दें तो हम क्यू टू स्टेट पर आ रहे हैं, और इसको अगर हम फाइनल बना दें तो कितना मस्त रहेगा, पूछे कैसे। अब अगर हम 1 0 भेजेंगे तो 1 पास हो गया यहां से, 0 हो गया यहां से, एक्सेप्ट हो गई स्ट्रिंग। हम 1 1 कराएंगे तो 1 पास हुआ ऐसे, 1 पास हुआ ऐसे, सेकंड लास्ट 1 है, एक्सेप्ट हो गई स्ट्रिंग। हम 1 0 1 1 हो गया, लेकिन अब ये तो बाद का हो गया, मतलब अगर दो डिजिट में है तब तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, लेकिन हमारे पास इस लास्ट सेकंड के पहले भी तो कई सारे नंबर हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ वन 4 5 है पीछे, तो इससे कैसे निपटा जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्फ लूप चला सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ लूप किसका, 0 का भी और 1 का भी। भाई तुम जितने डालना चाहते हो डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको अपने हिसाब से करिए आपका, मस्त एकदम फ्रीक्वेंटली 0 1 जितने पास कराने पहले कराओ, लेकिन जब 1 पास हो जाएगा सेकेंड लास्ट में तो उसके बाद कोई ना कोई एक ऐसा ही सिंबल आएगा, तभी हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। अब आप ना मानिए तो भैया लैंग्वेज चला के देख लीजिए, हम लोग पास करा रहे हैं, मान लीजिए ये तो 1 यहीं आ गया, 1 यहीं आ गया, 0 यहीं आ गया, 1 यहीं आ गया, 0 यहीं आ गया, जैसे 1 आया लास्ट में 1 इधर आया, 1 इधर आया, सिंपल। और भी कोई लैंग्वेज ट्राई कर लीजिए, 1 0 1 1 0 कर लीजिए तो 1 यहीं आ गया, 0 यहीं आ गया, 1 यहीं आ गया, 1 इधर और 0 इधर, फाइनल स्टेट पे आ गए। फाइनल स्टेट पे आने का मतलब है ये जो मशीन है ये इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ होगा, नहीं हुआ तो एक बार और देख ही लीजिएगा, अगर DFA क्लियर है तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगी ये चीज़। अब क्या इसकी हम लोग ट्रांजिशन फॉर्म देखें, तो ट्रांजिशन फॉर्म के लिए हमने देखा था हम लोग क्या निकालते हैं, पावर सेट निकालते हैं, 2 की पावर क्यू। तो 2 की पावर हमारी क्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, अब देखिए
एक तो हमारा यहाँ पे फाइव हो जाएगा, कोई स्टेट ना हो, एक हमारी तीन स्टेट है तो क्यू वन हो जाएगी, एक हमारी क्यू वन क्यू नॉट और क्यू टू, और एक हो जाएगी क्यू नॉट क्यू वन, और एक हो जाएगी क्यू वन क्यू टू, और एक हो जाएगी क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू। क्या इसके अलावा कोई पावर सेट बन सकता है? बस मैथ्स लगानी है। मैथ्स में जैसे हम लोग सेट का पावर सेट निकालते थे कि उसके बीच में हमारे इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, उस तरीके से हमें बस क्या करना है, फाइनल स्टेट को निकालना है। और यहाँ से ट्रांजिशन हम लोग कैसे करेंगे? जब क्यू नॉट से ज़ीरो पास हो रहा होगा तो वो कहाँ जाएगा, जब क्यू नॉट से वन पास हो रहा होगा कहाँ जाएगा, जब क्यू वन से ज़ीरो पास हो रहा होगा तो कहाँ जाएगा, जब क्यू वन से वन पास हो रहा होगा तो कहाँ जाएगा, जब क्यू टू से ज़ीरो पास हो रहा होगा तो कहाँ जाएगा, जब क्यू टू से वन पास हो रहा होगा तो कहाँ जाएगा। चेक कर लेते हैं भाई डायग्राम के हिसाब से जो हमने बनाया है। क्यू वन से ज़ीरो पास हो रहा है तो क्यू वन पे ही आ रहा है, और कहीं तो नहीं जा रहा है, और कहीं ज़ीरो पास भी नहीं हो रहा है। मतलब क्यू वन से जब क्यू नॉट से जब ज़ीरो पास हो रहा है, क्यू नॉट जो हमारा है उससे जब ज़ीरो पास हो रहा है तो क्यू नॉट पे ही आ रहा है। तो क्यू नॉट से ज़ीरो पास होते ही भाई क्यू नॉट पे आ जाता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब क्यू नॉट से वन पास हो रहा है तो क्यू नॉट पे भी आ रहा है और क्यू वन पे भी जा रहा है, मतलब दो पे जा रहा है, मतलब कि क्यू नॉट पे भी जा रहा है क्यू वन पे भी जा रहा है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा। अब जब क्यू वन से ज़ीरो पास हो रहा है तो वो क्यू टू पे जा रहा है, मतलब क्यू वन से ज़ीरो पास हो रहा है तो वो क्यू टू पे जा रहा है, क्यू टी पाई क्यू टू पे जा रहा है, ठीक है। अब जब क्यू वन से वन पास हो रहा है तो भी क्यू टू पे जा रहा है, मतलब ये Q2 पे जा रहा है अब भी। लेकिन Q0 से 0 या 1 कुछ पास नहीं हो रहा है तो ये कहाँ पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे। इस तरीके से क्या है, हमारा ट्रांजिशन जो है वो भी निकल आएगा। तो ये हमारा एक एग्जांपल था NFA का। इसके साथ ही साथ पूरी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की जो लेक्चर सीरीज है उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगला एग्जांपल बहुत मेन होने वाला और इसके पहले का लेक्चर आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू, मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल, और इसको अपने हिसाब से आप नोट डाउन कर लीजिए।